बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल तिल के लिए यानी कि मोल्स के लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं, या फिर मोल्स में फेस के ऊपर जो तिल होते हैं उनके ऊपर इसे हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं, ये क्वेरी पिछले 10 दिन में मुझसे बहुत ज़्यादा बार व्हाट्सएप में पूछी गई है एंड बहुत सारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पूछी गई है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल आप मोल्स की कंप्लेन के लिए यानी कि अगर आपको ब्राउन या ब्लैक कलर के तिल आपके फेस के ऊपर हैं तो उसको दूर करने के लिए, हटाने के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अगर यूज़ कर सकते हैं तो क्या सही तरीका है इसको यूज़ करने का, और साथ में मैं आपको कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूँगी, होम्योपैथिक प्रोडक्ट, होम्योपैथिक क्रीम्स जो मोल्स को रिमूव करने में इफ़ेक्टिव हैं। सो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अरवा बोहरा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड ऑल आर हैप्पी एंड सेफ। आज की इस वीडियो में जैसा मैंने बताया कि मोल्स के केसेस में यानी कि तिल को रिमूव करने के लिए बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल को आप यूज़ कर सकते हो या नहीं, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में आपको मैं कुछ दूसरे होम्योपैथिक क्रीम्स बताऊंगी जिन्हें आप मोल्स को रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वीडियो वॉज हाईली रिक्वेस्टेड, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एंड ऑफ कोर्स अगर पहली बार मुझसे मिल रहे हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसे हिट करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में घंटी के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलती रहें। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, मोल्स या हिंदी में हम इसे तिल बोलते हैं, ये होते क्या हैं? ये एक तरीके का पिगमेंटेशन है, जो पिगमेंटेड सेल्स होती हैं उनका कलेक्शन हो जाता है। मोल्स के अलग अलग साइजेस होते हैं, ये सिंगल हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, इसके अलग अलग कलर्स होते हैं जैसे कि ब्लैक मोल्स जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, देन ब्राउन मोल्स भी कॉमन है, कुछ लोगों में ग्रेइश कलर के मोल्स भी हमको देखने मिलते हैं, कुछ पेशेंट्स में फेडेड मोल्स हमें देखने मिलते हैं। ये जो मोल्स हैं, ये जो तिल हैं, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते हैं, हमारी स्किन के लिए भी नहीं और हमारी हेल्थ के लिए भी नहीं, बट कॉस्मेटिक पर्पस से इसको लेकर कंसर्न बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली महिलाओं में। मेरे पास जो क्वेरीज़ हैं वो 80-90% फीमेल्स की ही हैं कि मैं मोल्स को हटाने के लिए ट्रीटमेंट बताऊं या बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल को यूज़ करने का तरीका बताऊं। तो कॉस्मेटिक पर्पस से अगर आपका कंसर्न है तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं कुछ भी मेडिसिन या एप्लीकेशन के लिए कोई भी प्रोडक्ट। होम्योपैथिक मेडिसिन से आप धीरे 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 इनको लाइटन कर सकते हैं, बट उसके लिए बहुत सारा पेशेंस आपको चाहिए एंड कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हमको ओरल मेडिसिन भी देनी पड़ती है जब पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा मोल्स होते हैं, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं, वो 2, 3, 4 या 5 से भी ज़्यादा मोल्स हैं और बढ़ते जा रहे हैं। अब आज की इस वीडियो में हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उसकी तरफ डायरेक्टली चलते हैं कि बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल को मोल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल जिसे मैं आप लोग को सजेस्ट करती हूँ एक्ने पिंपल्स में और पिगमेंटेशन के केसेस में। तो मोल्स भी जो है वो एक तरीके का पिगमेंटेशन ही है, पिगमेंटेड सेल्स का कलेक्शन है, और उसके लिए आप इस बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। बट एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 10-15 दिन यूज़ करने के बाद रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करिएगा। जो मोल्स आपके साइज में बड़े हैं, जो बहुत पुराने हैं, जो बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं, उनका बिल्कुल ठीक हो जाना बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल के साथ भी पॉसिबल नहीं है। ये मैं बहुत क्लियर कट बता देती हूँ, कोई भी फेक रिव्यू या फिर गलत इन्फॉर्मेशन मुझे अपने चैनल पे नहीं शेयर करनी है आप लोगों के साथ। सो ऐसे मोल्स जो बहुत पुराने हैं, जो साइज़ में बड़े हैं, जो हार्ड हैं, जैसे इस तरीके का मेरा जो ये फ्रंट में मोल है, इसे मैं बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल से अगर चाहूँ कि ये हट जाए तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल डेली यूज़ करती हूँ, 2-2.5 साल हो गए और ये मोल जैसा है वैसा ही है, इसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, ये वहाँ से हटा नहीं है, मैं इसे हटाना भी नहीं चाहती हूँ। अगर आपके मोल्स ऐसे हैं जो फ्रेश डेली नए निकल रहे हैं या फिर कुछ दिनों में आप देख रहे हैं कि नए नए मोल्स थोड़े से लाइट हैं और ऐसे
आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं या फिर फ्रेकल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जा रहे हैं या फिर ये जो एरिया है यहाँ पर आपको मल्टीपल पिगमेंटेड छोटे छोटे स्पॉट्स दिखने लग जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप ज़रूर बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल यूज़ कर सकते हैं और उन पिगमेंटेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिलते हैं। एक और सवाल कि बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल के साथ बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। एक दिन में भी दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, कोई नॉन साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप एक टाइम बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल लगा लें, एक टाइम बर्बेरिस एक्विफोलियम रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। नाउ कुछ और क्रीम्स मैं आपको सजेस्ट करती हूँ मोल्स के ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहला जिसमें है हेब्रेको मार्क्स गो क्रीम, बिकॉज इसके अंदर बहुत ही इफ़ेक्टिव नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं जो किसी भी किस्म के पिगमेंटेशन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। मैं पिक्चर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। हेब्रेको मार्क्स गो क्रीम आपको रात में बेड टाइम पे अप्लाई करके सोना है चेहरा धोने के बाद। दी सेकेंड क्रीम इज़ सौंदर्य क्रीम, बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक क्रीम है ये स्किन के सारे कंसर्न्स को सॉल्व करने के लिए, एंड मोल्स में भी अच्छा रिज़ल्ट इससे मिलता है। पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ब्राउन मोल्स जो होते हैं जो टीन एज में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं या एडल्ट जो वेमेन हैं उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो सौंदर्य क्रीम को एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट अगर यूज़ करते हैं जहाँ पे पिगमेंटेड एरिया है या जो पिगमेंटेड मोल है उसके ऊपर लगाया जाए तो धीरे धीरे करके वो लाइट होना स्टार्ट हो जाता है। हेब्रेको मार्क्स गो क्रीम, सौंदर्य क्रीम एंड बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल, ये तीनों पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे मैंने अपलोड की हुई हैं, इनकी रिव्यूज़, इनको कब यूज़ करें कब यूज़ नहीं करें, इनका MRP एंड सारे इंडिकेशंस वाली जो डिटेल्स हैं वो आपको उन वीडियोस में मिल जाएंगी। मैं उन्हें लिंक कर दूंगी तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आशा करती हूँ जिन भी लोगों ने मोल्स के लिए बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल के बारे में पूछा था आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं। इसके बाद भी कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो उसे प्लीज इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। लव यू ऑल, बाय।